हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग से मेकअप हैक्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और खासतौर से कॉलेज गोइंग, हॉस्टल गोइंग्स या स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और फेस्टिवल्स आ चुके हैं, फेस्टिवल्स में काफी बार ऐसा होता है हमारे पास रेडी होने के लिए भी टाइम नहीं होता है अच्छे से, और काफी बार हम सामान इधर उधर रख के भूल भी जाते हैं। तो ऐसे में ये मेकअप हैक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और गाइज, अगर आपको ये मेकअप हैक्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे मेकअप हैक्स और कौन सा मेकअप हैक्स आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ब्यूटीफुल से हैक कौन से हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमर से, क्योंकि मेकअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्राइमर से ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको प्राइमर बताऊंगी कि हमें ड्राई स्किन वालों के लिए कैसा प्राइमर यूज करना चाहिए और ऑयली स्किन वालों के लिए कैसा प्राइमर यूज करना चाहिए। तो यहां पर मैं एक ही क्लीन प्लेट ले रही हूं, आप चाहे तो कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, चाहे तो इस प्राइमर को स्टोर कर भी रख सकते हैं आप फ्रिज में। तो चलिए दिखाती हूं मैं कि हमें किस तरीके से ये प्राइमर तैयार करना है। तो मैं यहां पर ले रही हूं पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल, और आप चाहे तो कोई सी भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने काफी फिनिश भी कर दी है ये। आप चाहे तो केसर चंदन वाली भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिस भी ब्रांड की हो वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए यहां पर ग्लिसरीन, और ये ग्लिसरीन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी, और ये आपको 12 से 15 रुपए में, आई थिंक ये 20 रुपए में मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं इसका प्राइस 12 रुपए है, तो ये आपको इजिली मिल जाएगी मेडिकल स्टोर वगैरह पर भी। तो चलिए यहां पर मैं सबसे पहले एलोवेरा जेल ले रही हूं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 1 से 2 बूंद आप ग्लिसरीन ले लीजिए। दैट्स इट। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें ग्लिसरीन की 2 से 3 बूंद ऐड कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 1 से 2 बूंद ही इसमें ऐड कीजिए। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और ये काफी ग्लोई लुक भी देगा आपको ये प्राइमर। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा प्राइमर है रेडी, और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। और मैं यहां पर आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट मोड में दिखा रही हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको प्राइमर तो लगाकर दिखा दिया है अपने फेस पर। अब बढ़ते हैं सेकंड हैक की तरफ। तो सेकंड हैक मेरा यहां पर है कि आप डार्क स्पॉट को कैसे हाइड करें। अगर आपके एक्ने के डार्क स्पॉट है या कोई भी किसी भी तरह के पिंपल्स के डार्क स्पॉट है तो आप उसे कैसे हाइड करें। इस हैक को गाइज मैं आपसे शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, काफी टाइम से शेयर करना चाहती थी, और फाइनली आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं। तो यहां पर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये है 2-in-1 कंटोर स्टिक है। ये एक तरफ हाईलाइटर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, कोई सी भी कंटूरिंग स्टिक आप ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये सेकंड इसमें आप देख सकते हैं ये कंटूर, ये देखिए। तो मैं इसी के हेल्प से अपने डार्क स्पॉट को हाइड करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मुझे हल्के फुल्के डार्क स्पॉट हैं। तो जस्ट आपने करना क्या है, इस तरीके से देख सकते हैं आप क्विकली कैसे हाइड हो गए हैं। जहां भी हल्के फुल्के डार्क स्पॉट है आप कंटूर स्टिक लीजिए और उससे आप इसे हाइड कर लीजिए। और ये काफी क्रीमी है तो इजिली ये ब्लेंड भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, दैट्स इट, आपके डार्क स्पॉट भी हाइड हो गए हैं। और इसके बाद आप अपने कोई भी फाउंडेशन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड हैक क्या है। सेकंड हैक मेरा यहां पर है फाउंडेशन, और बनाना सिखाऊंगी मैं आपको कि फाउंडेशन आप किस तरीके से बना सकते हैं। और फाउंडेशन के लिए आपको चाहिए लैक्मे लूज पाउडर। आप कोई भी लूज पाउडर ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। मैं एलोवेरा जेल हर एक प्रोडक्ट में यूज कर रही हूं क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये आपकी स्किन को हार्म भी नहीं करेगी। नेक्स्ट मैं एक क्लीन बाउल ले रही हूं, और इसमें मैं यही एक छोटा स्पून जो है आप देख सकते हैं ये एड कर लूंगी। जस्ट हाफ स्पून भी ऐड कर सकते हैं आप। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये लूज पाउडर ले रही हूं। तो ये देखिए, मैंने इसमें एलोवेरा जेल को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी, और आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये आपका फाउंडेशन है रेडी। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आप इसमें चाहें एक से दो बूंद ग्लिसिन की भी ऐड कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए दो ही इंग्रेडिएंट काफी हैं, सिर्फ लैक्मे लूज पाउडर ले लीजिए और एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। और दोनों ही चीजें आप किसी ब्रांड की ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो चलिए मैं इस फाउंडेशन को अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं कितना इजीली ये ब्लेंड हो गया है। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा। मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लिया और आप देख सकते हैं कितना इजीली ब्लेंड हो गया है ये। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है क्या है। तो यहां पर मैं सबसे पहले ले रही हूं यही शिमर पाउडर, ये देखिए, और इसके अंदर मैं एलोवेरा जेल को मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारा आई शेडो तैयार हो गया है। तो इस आई शेडो को मैं अपनी आईज पर लगा लूंगी और आप देख सकते हैं गाइस कितना शाइनी लग रहा है ये आई शेडो, और बहुत ही अच्छा शिमरी आई शेडो एक तरह से तैयार हो गया आपका। और नाइट के टाइम भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है और ये जल्दी से उतरेगा भी नहीं आपकी आईज से। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल थी जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो गई। ये बहुत ही अमेजिंग हैक है। नेक्स्ट हैक देख लेते हैं कौन सा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको आईलाइनर कैसे रेडी करना है। एक बढ़िया सा ग्लोई सा आईलाइनर कितना अच्छा लगता है ना, जब हमारा आईलाइनर भी शाइन करता है। तो आईलाइनर के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पर आप काजल ले लीजिए। ये मेरे पास से ये जो काजल आप देख रहे हैं मुझे एक फेशियल किट के साथ कॉम्बो ऑफर में मिला था। तो आप कोई भी 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला काजल आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये काजल ले लीजिए। नेक्स्ट आपको चाहिए इसमें एलोवेरा जेल और आपको वैसलीन चाहिए। वैसलीन आप 5 या 10 रुपए वाली जो डिबिया आती है वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ये काजल ले रही हूं, तो आप इसमें ये काजल ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा और डाल लेंगे इसमें और अब आप इसमें ऐड कर लीजिए अपने आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर। और आई शेडो में आपके ब्लैक कलर तो होता ही है जो कि हर एक पैलेट के साथ आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसमें ये मैं पाउडर आई शेडो लेना है आपने, ये देखिए। तो इसमें ये ऐड कर लीजिए। अब मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। नेक्स्ट मैं यहां पर ले रही हूं ये वैसलीन, बहुत ही थोड़ी सी आपने वैसलीन लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वैसे आप इसमें वैसलीन मेल्ट कर ऐड करनी थी और बट अभी गर्मी है तो ये ऑलरेडी मेल्टेड ही है। आप इसे चाहें तो और अच्छे से पिघला सकते हैं, कैंडल में एक रखकर आप इसे स्पून में लेकर पिघला सकते हैं अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली भी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं चीजों की। तो ये मेरा आईलाइनर है रेडी। तो चलिए मैं अभी इस लाइनर को आपको लगाकर दिखाती हूँ इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से। बस इसे थोड़ा सा आपने ड्राई होने का टाइम देना है, 1 से 2 सेकंड में ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट हैक जो मेरे है गाइस वो है कंटूरिंग स्टिक। मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके पास कोई भी डार्क ब्राउन कलर में लिपस्टिक हो या ऑरेंज कलर की लिपस्टिक हो, अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप चूज करके कंटूरिंग कर सकते हैं उस लिपस्टिक की हेल्प से। मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से कंटूरिंग कर सकते हैं आप इसे। तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको एक ब्लश के लिए मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर कि ब्लश हमें किस तरीके से तैयार करना है। ये क्रीम ब्लश बताने जा रही हूँ मैं आपको कि क्योंकि विंटर्स में हम ड्राई स्किन वालों के लिए हर एक चीज क्रीम में यूज करते हैं, क्रीम हाईलाइटर और क्रीम ब्लश लाइक और भी प्रोडक्ट्स हम क्रीम ही यूज करते हैं। तो यहां पर मैं ये क्लीन कंटेनर ले रही हूँ, मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये वही कंटेनर है जिसमें मैंने फाउंडेशन मिक्स किया था। नेक्स्ट हमें एक और ये कंटेनर चाहिए और इसके लिए मुझे चाहिए ब्लश पैलेट। ब्लश कोई भी ले सकते हैं आप, पाउडर ब्लश ही आपने लेना है। आपके पास कोई से भी ब्रांड का हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने पाउडर ब्लश ही लेना है, इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपको इसमें चाहिए वैसलीन, बॉडी लोशन, और यहां पर मैं ये पिंक कलर का ले रही हूं, आपने भी पिंक ही कलर का लेना है। वैसे इसमें आपको और भी शेड मिल जाएंगे बट हमें ब्लश के लिए पिंक कलर ही बेस्ट रहता है और जो काफी नेचुरल भी लगता है। तो मैं यहां पर पिंक कलर का वैसलीन बॉडी लोशन ले रही हूं। तो हम इस क्लीन कंटेनर में
आप कोई सा भी कलर का ब्रश ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, लाइक ऑरेंज या पीची से शेड में आता है वो भी आप ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा हमें ऐड करना है पाउडर ब्रश को, और ये ब्रश हमारा दो तीन चीजों में काम आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा शेड है ये, दैट्स इट, इतना इनफ होगा। और अब हमें इसमें ऐड करना है वैसलिन, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं, वैसे इतनी इनफ होगी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्रीम ब्लश तैयार है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा पिंक कलर आया है ना। तो ये ब्लश रेडी है हमारा, तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं ब्लश लगा रही हूँ, और इस ब्लश को आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं और ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, काफी इजिली ब्लेंड हो जाएगा क्योंकि ये क्रीमी ब्लश है। तो आप देख सकते हैं तो ये देखिए मैं हाइलाइटर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ नेक्स्ट, जो मैंने आई शेडो तैयार किया था उसे ही मैं एज अ हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना नेचुरल भी लग रहा है ये, और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर तैयार हो गया आपका। नेक्स्ट गाइस जो हैक बताने जा रही हूँ ना आपको, वो हेयर्स के लिए है, और इतना परफेक्ट है ना वो, क्योंकि मैं इसे खुद भी यूज कर चुकी हूँ। ये एक तरह से हेयर सीरम का भी काम करेगा, हेयर स्प्रे का काम करेगा, प्लस ये आपके बालों में जितनी भी उलझन होगी उसे सुलझा देगा, वो भी मिनटों में, और आपके बालों को सेट भी करेगा। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है इसे बनाना। तो चलिए देख लेते हैं, सिर्फ आपको दो ही चीजें चाहिए इसके लिए। मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्ट्रिक्स का हेयर सीरम, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप चाहें तो लिगोन का ले सकते हैं, जो भी आपके पास हेयर सीरम अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। प्लस आपको इसमें चाहिए एलोवेरा जेल, कोई सी भी एलोवेरा जेल ले लीजिए, और एक क्लीन कंटेनर ले लीजिए। आप चाहें तो इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है गाइज, प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले हेयर सीरम ले रही हूं, दो से तीन बूंद, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं इसे, डोंट वरी। तो मैं यहां पर लगभग एक चम्मच के करीब है ये छोटा एक चम्मच ले रही हूं मैं, और यहां पर इसमें आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा हेयर स्प्रे तैयार है, हेयर सीरम कह लीजिए, तो वैसे हेयर स्प्रे की तरह ही काम करेगा, क्योंकि आपके बालों को ये इतने अच्छे तरीके से सेट कर देगा ना, लाइक अगर आप बाइक पे जाते हो तो भी आपके बालों में कोई भी उलझन नहीं होने देगा, और काफी बार उलझ जाते हैं बाल, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए बहुत ही परफेक्टली काम करेगा। ये देखिए मैंने इसे हाथों से मिक्स कर लिया है, आप इसे चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्विकली रिजल्ट। गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं मैंने इन हैक्स की हेल्प से कितना अच्छा मेकअप किया है। आई रियली होप कि आपको मेरे ये मेकअप हैक्स पसंद आए हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और वो भी इन मेकअप हैक्स का फायदा उठा सके। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।